हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। हैप्पी होली। कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? तो आज हम लोग क्या आप करने वाले हैं? आज है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हमने अपना एग्ज़ाम 3 बार लिखा, और हमारा ही नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ दी जो भी एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उन सबका रीज़न यही होता है जो हमारा एक्सपीरियंस है, और वो है आईलेट्स राइटिंग। आप समझ ही राइटिंग। गए होंगे, कईयों में से आप होंगे जिन्होंने एक बार ट्राई भी कर चुके हो, कई होंगे जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। तो हम ये वीडियो में बताएंगे हमने क्या किया और आप लोग क्या कर सकते हो। आप मतलब ट्यूटर अगर आपको लेना है तो आपको क्या ट्यूटर में देखना चाहिए जो आपका एग्ज़ाम चेक करें। ऑल्सो हम आपको बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। तो इंदु, कैसा था एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो अच्छा था। जब मैं लिख के आई थी तो मुझे लगा भाई, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट टाइम वो लिया था एक इंस्ट्रक्टर, तो हमने सोचा कि भाई जो भी किया उसने अच्छा किया। हमें अच्छा बैंड मिलता था 8-7 जब प्रैक्टिस करते थे अपने इंस्ट्रक्टर से। पर जब मैंने एग्ज़ाम लेकर, मुझे लगा कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे मिल ही जाएगा 7, मैंने पहले लिखा था। तो मैं पर जब मार्क्स आया तो कितना मिला मुझे? 5.5। हाँ, 5.5। किसी का सुना नहीं होगा कि 5.5 मिला है, तो बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट था। तो उसका और रीज़न ये रहा था कि भाई जो हमारा इंस्ट्रक्टर था वो हमारे पेपर चेक करता था, बट हमें ये नहीं बताते थे भाई तुम्हारी क्या गलती गलती है। है, काम खो रहे हो वो मार्क्स। बस जैसे मतलब जो आपने लिखा है उसको करेक्ट कर देता था, हाँ जो भी लिखा है उसको सही स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग और मतलब क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए या फिर उसका मीनिंग बना देता था एक सेंटेंस का। बट कभी ये नहीं लिखा था उसमें कि भाई कोहेजन होना चाहिए या फिर लिंकिंग लिंकिंग वर्ब। वर्ड्स होने चाहिए या फिर जो सिंपल उसमें लिखो। मतलब मोस्ट ऑफ द ट्यूटर्स क्या होते हैं या फिर जो हमने देखा है लोग क्या कहते हैं कि भाई मोटे मोटे वर्ड्स लिखो, हैवी वर्ड्स लिखो, कोई जरूरत कोई नहीं। ज़रूरत नहीं है उसमें। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बार हमने जब दिया था टाइम तो हमने कुछ भी ऐसा मोटा नहीं लिखा, हमने सिर्फ नॉर्मल वो लिखा था। तो अभी तो आपको कितना मिला था फर्स्ट टाइम में? मेरा 6.5 था ना कि सिक्स था? सिक्स 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 था था। मेरा। हाँ, तो लगा भाई गए इस टाइम भी। मतलब इन्होंने 10-15 दिन बाद लिखा था हाँ, दस एग्ज़ाम। पंद्रह दिन बाद लिखा था मैंने। हाँ, तो हमें लगा कि इनका एटलीस्ट पास हो जाएगा, पर नहीं हुआ। इन्हें भी 6 मिला, तो हमें सेकंड टाइम वापस लिखना पड़ा। उसमें दोनों के 6.5 थे ना? 6.5। हाँ, दोनों के 6.5 थे। फिर हमने रीवैल्यूएशन को भेजा कि भाई ठीक है भाई, क्या पता रीवैल्यूएशन में एक जन को भी एक जने का 7 बैठ मिल जाए। जाए, हाँ, तो किसी को आईलेट्स वापस लिखने की जरूरत नहीं। हम चाहते थे कि 2020 में ही सब खत्म हो जाए हमारे आईलेट्स का। और आया रिजल्ट हमारे दोनों किसी का रीवैल नहीं का है। 31 दिसंबर को आफ्टरनून में ना। हाँ, और हम अपने फैमिली के साथ थे उस टाइम, और मिला उतना ही मार्क्स थे, कोई बड़ा नहीं। तो कई बार लोग कहते भी है ना कि जैसे मतलब रीवैल में डाल दो भाई, हो ही जाएगा हो ही जाएगा। ऐसे हमने हाँ, एक्चुअली हमारे दिमाग में एक वो गया था कि यार बढ़ ही जाता है, क्योंकि हमने पता नहीं काफ़ी सारे वीडियो देखे थे जिसमें लोग कहते हैं मेरा बढ़ गया मेरा बढ़ गया, और पॉइंट लेकिन फाइव 0.5 तो सभी सोचते हैं कि यार बढ़ ही जाएगा, एटलीस्ट 2 में से 1 का तो बढ़ ही जाएगा। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम दोनों शौक में चले गए क्योंकि यार कि ये क्या हो गया। 8-8 हज़ार भी गए थे। आठ आठ गए थे आठ ना? आठ हाँ, हज़ार 8 हज़ार पर बंदे का उसमें वो होता है अगर आप रियल भरते हो तो, और वो भी विदिन आपको 3 या 4 वीक्स ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट आने के हाँ बाद ही भरना पड़ता है। हमने तो शायद 3-4 दो चार दिन में भर दिया, हम 2 दिनों में। हाँ भर दिया था। तो क्योंकि बाकी सब में हमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और मुझे तो 9-9 रीडिंग नाइन लिसनिंग नाइन आया में। था हम। तो बट ठीक है, बैड लक। फिर हम जैन मिड में वापस आए बैंगलोर, तब हमने वापस पढ़ना स्टार्ट किया। अब लगा पढ़े कैसे, क्या हाँ, पढ़ना जब है? आप जैसे पहली बार तो हमने भाई ट्यूटर ले लिया था जो हमारे पेपर चेक कर देता था, और फिर दूसरी बार हमने खुद से भाई ऑनलाइन सर्च करके पढ़ा कि भाई उससे कुछ हेल्प मिल जाए भाई जो लिखा हुआ है मतलब, तो या किसी और के और वेबसाइट्स पे जाके देखा तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी टाइम हमने एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी थी, यूडेमी में, वो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे डिस्क्रिप्शन में दें। दे बहुत देंगे, अच्छा था वो। बहुत अच्छा था वो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो, वैसे तो मेरे पास तो जैसे कंपनी का हुआ था तो फ्री था, नहीं तो उसका चार्ज वैसे 450 रुपीज़ ऐसा ही कुछ है, तो वर्थ इट, वर्थ इट। जो हमने इंस्ट्रक्टर को पे किया था उसको हमने 8 हज़ार रुपये पे करे थे, और बस वेस्ट था वह। वेस्ट अच्छे, हुआ मतलब हमें कुछ फायदा बेनिफिट। नहीं हुआ ना उससे। मतलब वेस्ट इस हिसाब से, क्योंकि द इंस्ट्रक्टर सिर्फ हमारा करेक्ट करता, बताता नहीं क्या करना है, और
हमें सिर्फ ग्रामर कोई क्लासेस लिए थे ना उसने, हाँ ग्रामर चार निकला पांच है। शायद, तो उसे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। ग्रामर क्लासेस ऐसे थे जैसे जैसे हमारे स्कूल के इंग्लिश क्लासेस होते हैं, तो कुछ कुछ भी फायदा नहीं हुआ वो। तो अगर आप अपना इंस्ट्रक्टर ले रहे हो तो आप देखो वो जो आपको चेक कर रहा है कि भाई उसकी जगह क्या फिल करना चाहिए जो आपका गलत है, क्यों गलत है, और सिर्फ आपको मोटे मोटे वर्ड्स ना बताएं जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं, बाकी आपको सारा ओवरऑल बताएं कि पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर पैराग्राफ ज़रूरी है, उन पैराग्राफों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसमें जो लाइंस लिखी हैं हर पैराग्राफ में वो कैसे जुड़ी हुई हैं, कंक्लूजन कैसे देना है आपको, तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पहली चीज़ है लेटर में, लेटर है थ्री टाइप्स के, वो है फॉर्मल, फॉर्मल्स, फॉर्मल, सेमी सेमी फॉर्मल। फॉर्मल। देखो ठीक है, इनफॉर्मल तो आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, आपको पता ही है कि ये दोस्त को लिखना होता है तो बहुत ईजियर है, बट वो एक स्पेसिफिक वर्ड्स है जो हमें यूज़ करने होते जैसे हैं। एपोस्ट्रोफी आई एम लिख दिया, आई कॉमा हाँ एम, हाँ अपोस्ट्रोफी एम, एपोस्ट्रोफी एम, ना कि पूरा लिखो आई आई ए एम। एम, हाँ, ऐसे नहीं। और जैसे लिखते हुए कुछ आपको इस तरीके से बताने कि काफ़ी फ्रेंडली टाइप हो आप, हाँ उसके हाँ जैसे अपोलोजीज की जगह आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट, हाँ सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं अपने हाँ दोस्त को। मतलब कुछ इजी लगे, जो लगे कि हाँ भाई काफ़ी अच्छी दोस्ती है। हाँ, और सेमी फॉर्मल में ऐसे जैसे कोई मैनेजर को आप मेल डाल रहे हो या लेटर लिख रहे हो, तो ऐसे बिहेव करना, ऐसे लेटर लिखना है कि वो बंदा आपको जानता भी है, आपका नाम जानता है, बट ही डजंट नो मच अबाउट यू। मच अबाउट यू, हाँ हाँ तो मतलब ऐसा है कि आपको जो बोलना, मतलब हाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी इंटेंट डालना है अपने उसमें कि भाई ही नोज यू, द पर्सन नोज यू, और कहीं पे कि मतलब फ्रेंडली टाइप का भी, लेकिन ज़्यादा फ्रेंडली नहीं, बट थोड़ा बहुत जैसे अपने हाँ नेबर्स को, अगर आपका डॉग बार्क कर रहा है एंड कंप्लेन लेटर आया है, तो यू हैव टू से सॉरी टू योर नेबर, तो बोलना कि यू नो द डॉग इज नॉट फीलिंग वेल हाँ रिसेंटली, ऐसा कुछ। और आप डॉग की जगह जैसे ये इसका नाम भी डाल सकते हो कि हाँ मतलब टॉम जो भी टॉम, क्या है। अभी हाँ तो जाने आपको, लेकिन जो सीधे सॉरी बोलना है वो थोड़ा उस फॉर्मल वे में बोलना है, हाँ फॉर्मल तो पता ही है कि फॉर्मल इट्स में तो बिल्कुल स्ट्रिक्टेड वे में भाई, जैसे कुछ नहीं जानते और कोई अपोस्ट्रोफी वाला कुछ नहीं कोई करना, फ्रेंडली लेटर नहीं है वो। हाँ कोई फ्रेंडली नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन इस टाइप से लिखना है आपको। और ऐसे में भी एक्चुअली ऐसे में आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मार्किंग हमेशा डबल डबल होती होती है है दैन लेटर, लेटर, सो दैट्स वाई इट्स डिवाइडेड कि 20 मिनट आप अपने लेटर को दो और 40 मिनट अपने एसे को ऐसे दो। कलम, और ऐसे में चार चीज़ें वो लोग देखते हैं ना, क्या है वो, टास्क रिस्पॉन्स, कोएजन कोहेरेंस, और ग्रामर, ग्रामर, लेक्सिकल, हाँ लेक्सिकल रिसो जो भी होता है। हाँ हाँ और हम आपको सब नीचे, एक्चुअली हम सोच रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको हमारे पास जो फॉर्मेट था तो आप देख लो, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता है, फिर भी हमने वो फॉर्मेट और वो उडेमी का वो देख के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। हाँ, क्योंकि वो फॉर्मेट में क्या था ना, वो आपको स्टार्टिंग का सेंटेंस बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, हाँ कि बस आपको इंट्रोडक्शन में वर्ड्स। कैसे लिखने हैं आपको, हाँ फिर पैराग्राफ में कैसा लिखना है, और एट द एंड कंक्लूजन कैसे लिखना है, मतलब उसका आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, उसमें सिर्फ आपको अपनी लाइन्स फिल करनी है, हाँ तो बहुत इजी हो जाता है वो, वो बहुत हम इजी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको सारा, और वो मतलब आपको डॉक्यूमेंट हम अपने हमारे कमेंट सेशन में भी डालेंगे। हाँ उसमें डालेंगे हम, और आप वहाँ से देख सकते हो, बहुत इजी रहेगा अगर आप उसको फॉलो करोगे तो। बहुत ज़्यादा इजी है वो एक्चुअली, हमने सोचा नहीं था कि वो इतना इफेक्टिव रहेगा। बट वो ट्राई किया था इस बार, हमारा काम बन गया, तो हमें लगता है कि आपके साथ भी शेयर करें, और हम भी जैसे बाकी लोगों की तरह हम भी बहुत कुछ ट्राई कर चुके थे, यहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ना, मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करना, या ऐसा हो फिर गया था कि पूरे दिन, मतलब कई, क्योंकि हमने कई बार YouTube वीडियोस में देखा कि ये 40 वर्ड आपने हाँ ये सीख 40 वर्ड सीख लो, ये 60 वर्ड सीख ली। लो, तो उन इट्स नॉट पॉसिबल भी एक इंसान के लिए कि भाई यार ये 100 वर्ड याद करके रखे और उसी 100 वर्ड से वो अपना हाँ अगर ऐसे 100 ले। आ भी गए तो जरूरी नहीं आप उनको लिख पाओगे, हाँ तो मतलब मेरे को जो लगता है जो भाई आईलेट्स वाले जो टीचर होते हैं वो चाहते हैं कि आप सिंपल वर्ड्स में अपनी बात एक्सप्लेन करो, आई थिंक मेरे को ये हाँ, लगता और ये है। ज़रूर हो कि आपका पहला सेंटेंस जो भी आप लिख रहे हो तो दूसरा थर्ड वो सब लिंक हो, लिंक्ड हो, फ्लो में चलेगी, यानी कि आपका फर्स्ट आप कुछ और बोल रहे हो, सेकंड में आप कुछ और बोल रहे हो। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आपको अपने पैराग्राफ्स में बहुत सारा आइडियाज़ देना है,
दो तीन टाइप का नहीं, नहीं सिर्फ एक आइडिया दो, सिंपल है। आपको एक बार तो लगेगा कि यार एक आइडिया में मैं कैसे खिचकियों बना दूँ। स्टार्टिंग में मुझे लगता था ऐसा एक्चुअली में कि भाई मैं एक आइडिया से कैसे कर दूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होने के बाद हो गया वो। इंदु तो स्टार्टिंग शायद एक ही लिखती थी ना। हाँ, और वो और एक और चीज़ जो हेल्प की थी वो तो ऑब्वियसली ये जो यूडेमी का कोर्स कोर्स था, था ये बहुत सही है। तो आप ज़रूर देखेंगे ये कोर्स, बहुत हेल्पफुल है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है उसमें हम, लेकिन आपको टेम्पलेट दे देंगे जो वो बंदा बताता है, और उस टेम्पलेट को आप फॉलो करोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। हाँ और राइटिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम रोज़ एक लेटर लेटर शायद रोज़ लेटर तो ना भी नहीं, लिखते थे, रोज़ लेकिन तो नहीं, ऐसे तो जरूरी लिखते थे हाँ, आप। क्योंकि लेटर शायद हमने स्टार्टिंग में जब पहली बार एग्ज़ाम लिख रहे थे तो स्टार्टिंग में हमने हर रोज़ लिखा अब है तो हर रोज लेटर लिखते हैं ऐसे ऐसे, दोनों। तो हमें हाँ इतना प्रैक्टिस हो गया था लेटर का, तो बट हमें ऐसे का हमें कॉन्फिडेंट नहीं था, तो हम हर रोज़ लिखते थे, कई बार वीकेंड्स में 2 बार भी दो लिखे बार भी हैं। लिखा हाँ, हूँ। और वो थोड़ा टफ टाइम था क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की है, अपनी सोशल लाइफ मिस की, इन्जॉयमेंट मिस की उस छह टाइम, महीने तो, ऐसा लग रहा था कि बस हम आइलेट्स के साथ घुसे हुए क्योंकि हैं। आप सोचो कि आप एग्ज़ाम लेके आए और वेट करे, बस 1 वीक होता था जो एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच में, जिस टाइम हमसे मतलब क्योंकि कंप्यूटर अपना बेस्ड था हमारा। कंप्यूटर बेस्ड था, जब हम अपना एंजॉय कर पाते थे कि ठीक है कुछ देख लिया, कुछ मूवी देख लिया, कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी सैटरडे संडे से, सैटरडे कब आता रहता, संडे को, फ्राइडे फ्राइडे को आता को था, रिजल्ट संडे को हम आता। लिखते थे। हाँ तो फ्राइडे को रिजल्ट आता, आप सोचो सैटरडे संडे, आप उस सैटरडे संडे से दोबारा शुरू हो जाते अपनी प्रिपरेशन करना। तो ऐसे समझा 6 महीने हुआ, और तो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हो जाएगा, कोई वो नहीं है। हम आपको फॉर्मेट बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर देखना। और हम हर एक जैसे चार टाइप के जो ऐसे होते हैं उन चारों का बताएंगे, वो आपको जरूर सिमिलर बताएंगे। है, बहुत बहुत सिमिलर है, सिमिलर है। बस थोड़े वर्ड्स, मतलब किसी में आपका ओपिनियन मांगा जाता है तो उसको कैसे लिखना है, और किसी में नहीं मांगा जाता तो कैसे कैसे लिखना लिखना है, है? ऐसा ही है। तो ठीक है ठीक दोस्तों, है, फिर आपको हम स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, हम हर एक टाइप के ऐसे के बारे में आपको बताएंगे, और आप उनको फॉलो करना। हमारा तो हो गया था, और आप खुद लिखोगे ना, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ यार कि इस फॉर्मेट को फॉलो करने में मैं इजीली लिख पा रहा हूँ या लिख पा रही हूँ। और प्रैक्टिस 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 तो करनी ही पड़ेगी। बहुत, मतलब बहुत नहीं, मतलब एटलीस्ट एक ऐसे रोज़ का लिख लो, अगर आपका 30 डेज बाद है तो एटलीस्ट 30 ऐसेज तो आप लिख के लिख ही लिख के जाओ। जाओ कम से कम। लेटर हाँ, हो सकता है कि आपके पास कभी बहुत सारा काम, ऑफिस का काम है या घर का काम, आप नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तब कोशिश कीजिए, कम से क्योंकि कम ऐसे लिख लो। लेटर नहीं हाँ लिख पा रहे तो अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसे का तो टाइम बिल्कुल ही नहीं, तो एक लेटर लिख लो हाँ और आपको इंस्ट्रक्टर की कोई जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्टर हम के। पहले में इंस्ट्रक्टर लिया कोई फायदा नहीं हुआ, बाकी 2 टाइम में हमारे मार्क्स बेटर थे, सेकंड टाइम 6.5 6.5 मिला, तो हमने खुद के पेपर्स करेक्ट पेपर करते थे करके खुद हम। किया है वो। और हम हाँ, गूगल गूगल का होता गूगल है, डॉक ना, गूगल डॉक होता है, उस पर लिखते थे, तो उसमें बताया था क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ग्रामरली ग्रामरली ग्रामरली, यूज़ किया हमने। ग्रामरली फ्री वाला जितना बताता है सिर्फ फ्री वाला यूज़ किया था, हाँ और वर्ड में ही बताया था वो आपको मिस्टेक्स। तो हम पहले वर्ड में लिखते थे, फिर वर्ड से वहाँ पे कॉपी करते थे, ताकि हमारे जो कोमा वोमा सेमी कोलन सब का हमें पता चल जाए। और एक स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था, एक जब से हमने 30 बार लिखा 40 बार लिखा एक ऐसे, मतलब एक ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे, तब रियलाइज होने लगा, अपने आप रियलाइज होने लगा कि भाई द कहाँ यूज करना है, अ कहाँ यूज करना है। नहीं होता तो आप खुद देख सकते हैं ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा हिसाब लगने लग जाएगा। हाँ और एक और टिप मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की, आप जब प्रैक्टिस करो तो वैरायटीज ट्राई करना हर चीज़ की। मतलब हाँ जैसे लेटर की बात करो तो भाई फॉर्मल, कभी सेमी फॉर्मल, कभी इनफॉर्मल, और उसमें भी जैसे कभी भाई मैनेजर से बात कर रहे हो, कभी नेबर से बात कर रहे हो, कभी किसी रेस्टोरेंट को बोल रहे हो, कभी कंप्लेन कर रहे हो, कभी अप्रिशिएट कर रहे हो, ये सब। और ऐसे में भी इस टाइप का भाई, कभी स्पोर्ट्स के बारे में, कभी कम्युनिटी के बारे में कुछ हो, या फिर कभी हेल्थ के बारे में कुछ हो, कभी फूड से रिलेटेड, ताकि आपको कुछ भी आ जाए तो आपके पास कम से कम एक दो वो दिमाग में हो आइडियाज़ जो आप यूज़ कर सकते हो, जिनके बारे में आप एलिब्रेट कर सकते हो एग्ज़ाम के टाइम। और सिंपल चाहिए हमें, उनको कोई इतने बड़े बड़े शब्द नहीं हाई फाई कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी हाई फाई नहीं है, गारंटीड हाई फाई वर्ड्स नहीं उन्हें चाहिए। सिर्फ सिंपल चाहिए, बहुत इजीली एक्सप्लेन हाँ, बट करके। आप जस्ट ट्राई करो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हाँ लिखो। कॉम्प्लेक्स लियो, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हाँ नहीं कि वर्डिंग उसमें कॉम्प्लेक्स है, हाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट
सेंटेंस को मिक्स करके लिखना, ना कि भाई उसमें वर्डिंग्स बहुत हाई फाई लिखना। हाँ कि भाई पता नहीं हमने हम एक्चुअली बहुत फनी उस वो जो बंदा हमें यूडेमी से हमने जो सीखा था उसने बताया भी था कि कैसे लोग लिखते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लिखते हैं, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी, एक ही सेंटेंस में इतने भारी भारी वर्ड्स ज़रूरी नहीं है। और ये भी बताना चाहेंगे हमको, जैसे काफ़ी लोग लिखते हैं कि आपको बताते हैं कि देयर नहीं लिखना है, दोज, हाँ वो ऐसा सब कुछ ऐसा कुछ नहीं नहीं, है आप लिख सकते हो, बट बस ये है उनकी रिक्वायरमेंट, आप जो लिखो इट शुड मेक सेंस और और लिंक सिंपल हो आपके दूसरा लिंक हो। हाँ सेंटेंस, आपके पहले सेंटेंसेस लिंक हो, थर्ड सेंटेंस, सेकेंड और फर्स्ट से लिंक हो, सब एक लाइन या ग्राफ जो भी बोलते हैं उससे मैच हो बस। हाँ तो ठीक है, ठीक है फिर दोस्तों, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सारा टेम्पलेट देते टेम्पलेट हैं। देते हैं। तब तक के लिए चलो हैप्पी हैप्पी होप होली, एंजॉय एंजॉय योर डे, एंड बी सेफ, बी सेफ और पढ़ो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस ज़्यादा। करो ऐसे। चलो बाय बाय बाय। बाय।